Nobody believed us when we said there will be a flood of this scale 10, 20 years ago. But now it is happening. बेंगलोर में पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों की सड़कें डूबी हुई हैं आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर नावों से रेस्क्यू होते सीईओ देखे होंगे मगर पानी से डूब गई झुग्गी झोपड़ियां भी इसी बाढ़ की सच्चाई हैं। भारत में हर साल कई गांव बाढ़ में डूब जाते हैं और लाखों लोगों का घर छिन जाता है भारत के सिलिकॉन वैली के पौश इलाकों में रह रहे लोग तो शायद इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे मगर स्लम्स में रहने वाली गरीब जनता का क्या इसी पर बात करेंगे आज न्यूज क्लिक के इस वीडियो में कर्नाटक में 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं वहीं राजधानी बेंगलोर में 32 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से शहर को ज्यादातर हिस्सा जो है वो डूब सा गया है बाढ़ के चलते शहर के बेलंदूर सुरजापुरा रोड वाइट फील्ड आउटर रिंग रोड और बी एम लेआउट जैसे इलाकों में सड़कें लबालब हो चुकी हैं इनमें से एक इलाका बेलंदूर लंबे समय से बाढ़ संभावित इलाका रहा है पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि बताती हैं कि यहां आईटी फर्म्स के लोग और अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग रहते हैं आईटी फर्म्स को इनक्रोचर नहीं माना जाता मगर गरीब पिछड़े अल्पसंख्यकों और दलितों को इनक्रोचर्स यानी घुसपैठिए कहा जाता है इससे पहले 30 अगस्त को भी बेंगलोर में भारी बारिश हुई थी और तब से कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं सोशल मीडिया पर आपने तस्वीरें देखी होंगी जिनमें सड़कों पर नाव चला रहे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वहीं कई लोग दफ्तर जाने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी में पचास रुपए देकर सवारी करने को मजबूर हैं मगर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित स्लम्स के वो इलाके हैं जहां कामकाजी लोग रहते हैं जिनके घर के घर बाढ़ में बह गए हैं बाढ़ की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप हुई है जरूरी सामान की सप्लाई के लिए भी नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई का कहना है कि बाढ़ से 430 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और 2188 अन्य को भी नुकसान हुआ है 430 घर यानी उनमें रहने वाले हजारों लोग बेघर हो चुके हैं करीब 225 किलोमीटर लंबी सड़कें पुल पुलिया और बिजली के खंबे भी तबाह हो गए हैं बता दें कि शहर के ज्यादातर झील तालाब और नाले पानी से भर चुके हैं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है जिससे जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है संकट अभी भी जारी है आपको बता दें कि इस बाढ़ की वजह से अगले दो से तीन दिनों में बेंगलोर में 80 प्रतिशत इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित होने वाली है बेंगलोर के अलावा पूरे कर्नाटक राज्य में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है कर्नाटक में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है इसी बीच बेंगलुरु बी नगर निगम का कहना है कि उसने छह सौ अतिक्रमणों को पहचान की है जिनकी वजह से शहर में पानी भर गया था इनमें से सबसे ज्यादा एक अतिक्रमण महादेवपुरा में ही मिले थे मगर सवाल यह भी है कि इस कार्रवाई का टाइम लेट नहीं हो गया हमने पिछले एक साल में बारिश की वजह से बिहार असम हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और कई अन्य राज्यों में आई बाढ़ को देखा है जहां अभी भी हजारों लोग विस्थापित हैं और इस संकट से प्रभावित हैं बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली आईटी हब कहा जाता है इस आईटी हब में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लाखों कंपनियां काम करती हैं जिनके काम से हम एक क्लिक पर हजारों काम कर पाते हैं मगर टेक्नोलॉजी से भरे हुए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज सिस्टम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं वेटलैंड्स में मन चाहे कंस्ट्रक्शन को भी इस बाढ़ का जिम्मेदार बताया जा रहा है क्या ये संकट प्राकृतिक है या मैन मेड जो सीईओ इस बाढ़ में डूब रहे हैं उन्हें धड़ल्ले से रेस्क्यू किया जा रहा है मगर जिन गरीबों के घर छिन गए क्या सरकार उनके पुनर्वास के लिए भी इतनी तत्पर रहेगी पर्यावरण एक्सपर्ट लियो सल्डाना ने बताया कि उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्नीस में ही इस तरह की तबाही का अनुमान लगा दिया था और आज 27 साल बाद यह तबाही आई है मगर सरकार और नगर निगम ने इसके लिए क्या किया वो इसके लिए तैयार क्यों नहीं था क्या रोकी जा सकती थी ये तबाही सुनिए क्या कहना है लियो सल्डाना कास्टिस एन के पाटिल रिपोर्ट में 2012 में प्रिस्क्राइब uh, किया है और कोर्ट ने उसको इसका हमारा ई का लेक्स पी के ऑर्डर uh, फाइनल में इट इज इंटेग्रेटेड इन इट इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट और नाइन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड सिविक एजेंसीज एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब मिलके वो रिपोर्ट बनवाया था एंड दे ऑल एग्रीड लेक्स शुड नॉट बी एनक्रोच एंड एनक्रोचमेंट शुड भी रिमूवड इफ पोर पीपलिटी दे शुड भी रिहेबिलिटेटेड दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस और कॉमन सेंस के विरुद्ध लास्ट टेन ट्वेंटी ईयर्स में बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्राउंड अप प्लानिंग होना चाहिए और इस प्लानिंग में वार्ड कमेटीज़ बनवाना चाहिए हम उसके लिए और एक पी आई एल दला और कोर्ट ने भी आदेश दिया है ऑलमोस्ट सेवन एट ईयर्स वार्ड कमेटीज बनवाने के लिए बट बैंगलोर में सिविक गवर्नेंस नहीं है अभी क्योंकि तीन साल से जो हमारा गवर्नमेंट है अभी बीजेपी वाला गवर्नमेंट दे डोंट वॉन्ट है लोकल डेमोक्रेसी One or the other reason they give and don't allow civic elections to. So there are no representatives. officers We need to have ward committees, ward level planning. It has to be ground up and those plans have to be supported. Each and every ward should be water secure, flood secure. Infrastructure should be available. Social security should be available. And it also should plan for disasters like this. Every ward.

No more concretization, recover all the wetlands as much as possible, rehabilitate all the poor people. They need our help today. Flood mein kya hota hai ki? If they are affected, they lose everything. If the corporates are affected by 250 crores, so insurance is usko paisa de sakta hai. Poor people will not hai insurance. Hai. welfare society. Hai. We are a people who should, our government should first reach out to the weakest. बड़े कॉरपोरेट मन चाहे तरीके से शहरों की नेचुरल हैबिटेट के साथ खिलवाड़ करते हैं जिससे पर्यावरण को इस तरह के संकट झेलने पड़ते हैं एक ट्विटर यूजर ने यह भी लिखा है कि आईटी हब के ये कॉरपोरेट ही जो बाढ़ से प्रभावित हैं ये वही लोग हैं जो मनचाहे कंस्ट्रक्शन खराब प्लानिंग पर सवाल उठाने वाले पर्यावरण एक्टिविस्ट को अर्बन नक्सल कहेंगे न्यूज क्लिक में हमारी कोशिश रहती है कि हम हर उस मुद्दे को उठाएं जो आपकी स्क्रीन से गायब हैं और ऐसा करने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है हमें सब्सक्राइब करें हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अपना ख्याल रखिए देखने के लिए शुक्रिया